गांव कैलरम के जीपीएस स्कूल में कैरियर काउंसलिंग को लेकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिग्नस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर मंजीत कुंडू और डॉक्टर किरण का आना हुआ। सिग्नस हॉस्पिटल से दोनों डॉक्टर विद्यालय के ही पूर्व छात्र रहे हैं। बच्चों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मंजीत का कहना था कि सच्ची सफलता के लिए आपकी मेहनत, लगन और एक निश्चित टारगेट का होना बेहद जरूरी है। मैं अपने दिमाग से सोचूंगा और 12th क्लास का बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा। मैं जीपीएस के प्रांगण में स्पेशल कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए आया था, तो यहाँ मैंने बच्चों को इसके बारे में बताया कि कैसे हमें अपने गोल को डिसाइड करना है और कैसे आगे बढ़ना है। इसके बारे में जैसे कि भाई बच्चा का जो करियर होता है ना, वो जब जन्म लेता है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। करियर का मीनिंग ही यही है कि हमने बच्चे को ट्रेंड करना है ताकि वो अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। तो मैंने बच्चों को बताया यहाँ, और मैं यहाँ 5वीं क्लास तक पढ़ा था, मुझे अपने स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। स्पेशल जिले सिंह सर और सुभाष सर से मिले, बहुत अच्छा लगा। रूरल एरिया के बच्चे थे, किस तरह का फीडबैक रहा सर? हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई रूरल एरिया का बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं भी खुद रूरल एरिया से हूँ, और सक्सेस के लिए 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, आप मेहनत कितनी करते हो। सेकंड, आप में लगन है या नहीं है। और थर्ड, आपका टारगेट क्या है। उसके बाद आपको जो डिजिटल मीडिया है, आपके टीचर्स हैं, वो आपको सक्सेस तक ले जाएंगे। और करियर एक पाथ है, उसको डाइवर्ट नहीं होने देना, आपका जो गोल है उस तक चलना है। वहीं डॉक्टर किरण ने बच्चों से बात करते हुए स्कूल में अपने अनुभव के बारे में बताया और बच्चों को मोटिवेट किया। अच्छा, मतलब शेड्यूल्स है, इतना अच्छा फैसिलिटीज है। हमारे टाइम में क्या होता था, मुझे आज भी सर वो याद है, वो टॉली बनना, जो पीछे रहेगा उसको स्टिक लगेंगी, ऑल दैट। देखो, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि सर ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और मिस्टर जिले सिंह सर एंड सर सुभाष सर का मैं बहुत तहे दिल से अपने धन्यवाद करती हूँ कि हमें यहाँ पे इन्विटेशन मिला। देखो, हम ना अपना अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया में रह के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे जो जनता है उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि अपने जीपीएस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराए, वो एवरीथिंग यहाँ पे रह के सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हायर प्रोफाइल में रह के शहरों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे। मैं भी एक किसान से रिलेटेड हूँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर था, लेकिन देखिए, अपने हौसले रखिए, लगन कीजिए, मेहनत कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अपना जो अचीवमेंट है वो बिल्कुल पा सकते हैं, मेहनत और लगन कीजिए। गांव की लड़कियां भी आपको देख रही हैं, आपको आदर्श मानती हैं, उनके नाम कोई मैसेज आपका? देखिए, मेरा यही है यार, गांव में है एक सोच रहता है कि लड़कियां ऐसे बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड मेरा कुछ ऐसा हाई प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ओपन माइंड या कुछ। देखो, मैंने अपना आफ्टर मैरिज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है, पूरा जो 5.5 इयर्स मैंने कोर्स कंप्लीट किया। अगर उनके मन में हौसला है, लगन है, तो वो भी कर सकती है। ऐसा कोई है नहीं कि हाँ हम यहीं पर आके रुक गए यार, शादी हो गई, अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो चाह सकती है वो पा सकती है, डिफरेंस इतना है कि वो मेहनत और लगन कितनी रखती है। मौके पर स्कूल द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियां भी पेश की गई। वहीं स्कूल के ही छात्र रहे आशीष को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में कैथल जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। विद्यालय द्वारा सुपर 40 और आईलेट्स पीटी जैसी सेवाएं भी दी जाएंगी, जिन पर स्कूल के प्रिंसिपल सुभाष शर्मा और प्रबंधक जिले सिंह समेत स्टाफ के अन्य सदस्यों ने मीडिया से बातचीत की। मैं सुभाष चंद्र शर्मा, प्रिंसिपल गोड कलर, जो बैग न्यूज चैनल है, विद्यालय में प्रांगण पहुंचे पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा प्रोग्राम था वो काउंसलिंग प्रोग्राम था, तो काउंसलिंग प्रोग्राम में डॉक्टर मनदीप कुंडू जो इसी स्कूल के छात्र रहे हैं, तो उनको आज यहाँ इनवाइट किया गया। तो उन्होंने बच्चों को बड़ा
अच्छे तरीके से समझाया भी किस तरह से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए और कैसे हमें लक्ष्य गोल करना चाहिए, तो उस बारे में बच्चों को बड़ा अच्छे से डॉक्टर साहब ने मोटिवेट किया। बच्चों की ओर से किस तरह का फीडबैक आया, क्या कुछ सीखने का मौका मिला? बच्चों की ओर से बहुत बढ़िया फीडबैक हमें उम्मीद है मिलने का, क्योंकि जैसे बच्चे ने बड़े ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना और उम्मीदें हैं, अगर 10% बच्चे भी उनकी बातों से प्रभावित होते हैं तो हम समझते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी जी जी। स्कूल जो है भविष्य में आईलेट्स और पीटी को लेकर भी चल रहा है, क्या कुछ वो इनिशिएटिव है? स्कूल भविष्य में आईलेट्स पीटी हमारा सिडनी पीटी मास्टर से टाइप हुआ है जी, वो एक बहुत बड़ी संस्था है और यह संस्था जो बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद बाहर आईलेट्स पीटी के लिए जाते हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि क्यों ना बच्चे मैं लोकल एरिया में वो सुविधा जो शहर में बच्चे या बाहर बच्चे जाते हैं हम यही उनको प्रोवाइड कराएं, तो हमारा विशेष मोटर रहेगा। तो हम उम्मीद भी जताते हैं और विश्वास भी दिलाते हैं आईलेट्स पीटी के लिए हम पूरी सुविधा यहाँ बच्चों को देंगे। एक बच्चे को सम्मानित भी किया गया है, किस वास्ते वो सम्मान उनको मिला है? तो एक नर्सरी से प्लस टू तक पढ़ने वाला एक विद्यार्थी आशीष नव सुभाष चंद, तो इस बच्चे ने जेई मेन में तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रथम स्थान ही हासिल किया है, तो हो सकता है स्टेट में भी इसकी पोजीशन आए लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसने बच्चे ने पूरा प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इस बच्चे को तो डॉक्टर साहब स्पेशली इन्वाइट इसलिए किए गए थे ताकि इस बच्चे को सम्मानित करें और डॉक्टर साहब द्वारा बच्चे को सम्मानित किया गया। ठीक है, भविष्य की क्या योजनाएं रहेंगी स्कूल की, किस तरीके से बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं, अभिभावकों को कोई नाम संदेश आप? तो भविष्य की हमारी ये प्लानिंग है, 2018-19 में हम पहले एक सुपर 40 के नाम से बैच स्टार्ट किया था जी, और उस बैच का जो रिजल्ट आया तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा, लेकिन बीच में कुछ कोरोना काल का समय आ गया था, उस कोरोना काल के की वजह से ये बैच हमने बंद करना पड़ा। तो उसका रिजल्ट जो आशीष जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो आशीष ने जो स्थान हासिल किया है जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो उसी की बैच की देन है। और दूसरा एक हमारा विद्यार्थी था संजू सुनोब जयपाल, जो BSc एग्रीकल्चर में उसका एडमिशन हुआ है, वो स्टेट में टॉप 10 बच्चों में उसका नाम आया, तो उस बच्चे की भी यहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये वो बच्चा ही इस बात को मानता है कि सुपर 40 जो ये जो देन है हमारी, जो आज मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मैं जिले सिंह, डायरेक्टर रोड पब्लिक स्कूल कैलरम। आज हमारे स्कूल में एक छोटा सा प्रोग्राम मनाया गया जिसमें हमारे पुराने विद्यार्थी जो एक डॉक्टर की पोस्ट पर विराजमान है, उन्होंने गेस्ट अतिथि के रूप में यहाँ पधारा, उनके आने पर यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। हमें अपने पुराने बच्चों को देख कर बड़ी खुशी महसूस हुई और ये पता चला कि हमारे बच्चे चारों तरफ सभी डिपार्टमेंटों में अपनी सेवाएं देकर स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रहे? भविष्य में भी मैं सोचता हूँ कि अपने जो बच्चे अब मौके पर कार्यरत है कि इनकी तरह इनसे सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े, अपनी उपलब्धियों को छुए और स्कूल का नाम रोशन करें। शुक्रिया। सबसे पहले बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार, अजय जी आपका स्वागत है। तो आज का जो प्रोग्राम था वो बच्चों का, जैसे नया सेशन हो रहा है तो कैरियर काउंसलिंग के लिए था, ताकि बच्चे भविष्य में जान सकें कि हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है और हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। और जो हमारे आज के मेन चीफ गेस्ट थे वो हमारे ही विद्यालय के डॉक्टर मंजीत कुंडू और डॉक्टर किरण, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जितने आसपास के जो हम एग्जांपल दूर के लेते हैं उनका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना गांव के विद्यार्थियों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल का यही प्रयास है कि जो बच्चे हैं उनको उन्हीं से मुलाकात या उन्हीं विद्यार्थियों से मिलवाया जाए तो वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम रमेश कुमार और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो बैग न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बढ़िया था। इससे पहले भी हमने एक सुपर 40 के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें बच्चे को हमने जो एनवायरनमेंट था वो लेके चलना था, यानी कि बच्चे को सही एनवायरनमेंट हम दे सके, और इसकी शुरुआत हमने 3 साल पहले की थी और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बढ़िया था, जिसमें निवेद्या और सैनिक स्कूल में हमारे 3 बच्चों को क्वालिफाइड हुआ था, और उसी को देखकर ही हम अब एक सुपर 100 के नाम से शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चे पूरी तरह भाग लेंगे। मेरा नाम रणबीर सर, मैं IIM PGT केमिस्ट्री एंड आल्सो टीच साइंस अप टू 10th क्लास।
आज किस तरीके का प्रोग्राम रहा और अभिभावकों के नाम कोई मैसेज आपका? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, स्पेशली दो स्ट्रीम हमने जो स्कूल ने लागू की हैं, सुपर 40 वाली है, एक आईलेट्स पीटी का जो हम कोलेबोरेशन करने जा रहे हैं उसका है, जो बहुत ही हमारा मतलब सराहनीय कार्य है। जो बच्चे मतलब कैथल जाते हैं, कैथल लेते हैं पीटी वगैरह की, आईलेट्स वगैरह की कोचिंग, अब हमारा स्कूल ही शुरू कर रहा है तो यहीं पे मतलब बच्चे अपनी कोचिंग ले सकते हैं, समय अपना बचा सकते हैं इस चीज़ में। और हमारे स्कूल की कोलेबोरेशन जो हुई है वो बहुत सराहनीय है, पूरे अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, भाई जो पीटी आईलेट्स वगैरह स्कूल में ही करवाता हो। तो इससे ये शिक्षा मिलती है हमें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो शहर में जा रही हैं वो यहीं पे मतलब करवाएं, स्कूल का सहयोग दें, अभिभावक जो हैं अपने बच्चों के वो भी मतलब बच्चों को स्कूल में भेजें और उनका भविष्य अगर हम देखें, जो भविष्य हमारे हाथ में दिया है अभिभावकों ने, हम भी उसको संवारने का हमें मौका मिले और हम उनको संवार सकें। मेरा नाम राम मेहर शर्मा, मैं हिंदी टीच करता हूं और छठी क्लास से प्लस टू क्लास तक के बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। मेरा अनुभव लगातार 18 वर्षों का रहा है और मैंने खुद मेरे जीवन के अंदर प्लस टू क्लास से मैंने टीच करना शुरू किया था, साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने अपनी पढ़ाई की और मैं अपने अनुभव के अनुसार प्रत्येक बच्चे के माता पिता को ये कहना चाहता हूँ कि पर मंथ स्कूल में आएँ और हर बच्चे की एक्टिविटी देखें, अपने बच्चे के बारे में देखें, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में और अपना बच्चा कहाँ पर है, किस पोजीशन में, पूरी पूरी साल में अगर पेरेंट्स एक दिन आता है तो उसमें बच्चे का नहीं पता चल पाता। तो मैं पेरेंट्स से यही आशा करूँगा कि जैसे ही हमारा इस वर्ष का परिणाम आता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके अपने बच्चों के साथ आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भविष्य के बारे में आगे बढ़ने का जो है कदम उठाए। मैडम आपका नाम और क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे? सर मेरा नाम अंजू है जी और मैं 5th क्लास को पढ़ाती हूँ, 6th का मैथ है सर। ठीक है, तो आज जिस तरीके का प्रोग्राम रहा उसके जरिए बच्चों ने क्या कुछ सीखा? सर बच्चों ने बहुत कुछ सीखा सर, जो पुराने बच्चों ने मतलब पढ़ के गए थे वहाँ से तो उनसे कुछ नया सीखने को मिला ताकि मैं भी ऐसे ही बने। और सर मेरा सेल्फ बताना चाहूँ सर, मैंने यहीं से स्टडी की है, जब मैं पढ़ के आई थी मैं 8th क्लास में एडमिशन यहीं हुआ था और मैंने यहीं पे आके एमए जेवीटी जो भी यहीं से किया है, जीपीएस स्कूल से, बहुत अच्छे। और अभी आप यहीं से यहीं पढ़ा रहे हैं? यहीं पढ़ा रही हूँ, यहीं पढ़ के फिर यहीं सेवाएं दे रही हैं। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर।